भारत माता की, भारत माता की, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, खट्टर सरकार। इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम से कुछ ही देर पहले नजदीक खन्ना चौक था, जहां पर बीजेपी पार्टी के झंडे यहां पर लगे हुए थे। किसानों ने यहां पर उन झंडों को उतार दिया और तिरंगा झंडे यहां पर लगा दिए, लेकिन उसी दौरान इन दो किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच गए और जमकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और अब दोबारा से खंडा चौक पर किस तरह से बीजेपी पार्टी के झंडे उतार दिए गए हैं और तिरंगे झंडे यहां पर लहरा दिए गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कड़ा सुरक्षा पहरा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर यहां पर किया गया है, क्योंकि पीछे प्रेम प्लाजा होटल है, जहां पर आज भाजपा जिला कार्यकारिणी की एक बैठक होने जा रही है, और जिसमें जो है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों का विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू हो जाता है, क्योंकि खंडा चौक पर किस तरह से बीजेपी पार्टी के जो झंडे लगे हुए थे उनको किसानों ने उतारा और तिरंगा झंडा लहराया, जिसके बाद दो किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन बड़ी संख्या में जब किसान यहां पहुंचे तो उन किसानों को छोड़ दिया गया। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिट्टा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से जिन किसान नेताओं को सीएम प्रोग्राम के नजदीक हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उनको छोड़ दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम से पहले यहां पर पहुंच गए थे और किस तरह से जो खंडा चौक पर बीजेपी पार्टी के झंडे यहां पर लगे हुए थे उनको उतार कर इन्होंने तिरंगा झंडा लगाया, जिसके बाद इनको हिरासत में ले लिया। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्यों हिरासत में लिया गया था आपको और क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो बीजेपी पार्टी है ये इतनी घटिया पार्टी है, तिरंगे के नाम पर राजनीति कर रही है, और जब हम यहाँ तिरंगा लगाने आए हैं तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को कहकर हमें गिरफ्तार करवाया गया है। हम बीजेपी का झंडा खंडा साहब के पास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए हमने इनका झंडा उतारा और तिरंगा जैसे ही हमने लगाया और इन्होंने आदेश किया और पुलिस प्रशासन ने हमको गिरफ्तार किया। मैं और मेरा भाई अमृत बुगा, मेरा नाम अमनदीप सिंह बब्बर, ब्लॉक प्रधानी सिंह, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, यहाँ थाना सदर ले गए थे। थाना सदर में इनको ले गए थे किसानों को हिरासत में लेकर सीएम के प्रोग्राम से पहले। हालांकि किसानों की तरफ से किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद तमाम किसान यहां पर पहुंच गए और जमकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आपको हिरासत में लिया गया और क्या कुछ कर रहे थे आप? आज एक बीजेपी का और नया रूप देखने को मिला है, जो तिरंगा लगाने के इनका बीजेपी का झंडा तिरंगे से ऊपर हो गया। आज इनका झंडा उतार के अगर हम तिरंगा लगाते हैं तो ये प्रशासन का इसमें कसूर नहीं है, प्रशासन तो ड्यूटी कर रहा है। ये आदेश करते हैं भी उनको गिरफ्तार करो, देश का तिरंगा ना लगने दो। ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए, जिस तिरंगे पर ये राजनीति करते हैं, जो दिल्ली में 26 जनवरी को पर्चे दर्ज किए थे, वहां भी ये बोला था भी तिरंगे का अपमान है। आज यहां तिरंगे का अपमान नहीं है। आज अगर इस बीजेपी का झंडा उतर के तिरंगा लगता है, सर्वप्रिय हमारे लिए तिरंगा है, और जो ये निशान साहब है इसके साथ बिल्कुल भी इनके झंडे किसी भी पार्टी के हो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो निशान साहब है ये रोटी देने का प्रतीक है, और जो ये बीजेपी सरकार है ये रोटी खोसने की प्रतीक है, तो इनके साथ इनके झंडे हम कैसे लगने दे देंगे? और इनका कड़ा विरोध करेंगे आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई करें। हमारे को सदर थाने में ले गए थे, प्रशासन ने हमारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया है, उन्होंने हमारा कोऑपरेट किया है, पर प्रशासन को इनके आदेश पर चलना चाहता है। बीजेपी के लिए इससे घटिया और कार्रवाई नहीं हो सकती कि तिरंगे के जुल्म में भी हमको गिरफ्तार करेंगे। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, खंडा चौक के नजदीक हम मौजूद है, जहां पर तमाम किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में तिरंगा झंडा देख सकते हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और इसी खंडा चौक पर बीजेपी पार्टी के जो झंडे लगे हुए थे उसको उतार कर इन्होंने अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लगाया, जैसा कि इनका कहना है, जिसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और किसान नेताओं को जिनको हिरासत में लिया गया तो छोड़ दिया उनको।
ये भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, जो हमारी धार्मिक चौक है ये, इस पर किसी पार्टी का झंडा लगना बिल्कुल ही गलत है। और ये भारत माँ के सच्चे सपूत, इन्होंने जैसे ही देखा कि किसी पार्टी का झंडा हमारे धार्मिक स्थल पे हमारे चौक पे लगा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत भारत माता का सम्मान बढ़ाते हुए तिरंगा झंडा यहाँ लहराने का काम किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और जैसा ये भाजपा साजिश रच रही है धर्म जात के नाम पर जहर घोलना चाहती है, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। 36 बरादरी आज सभी यहाँ लोग एकजुट हैं और हमारे जो किसान योद्धा, दो किसान योद्धाओं को तिरंगे के सम्मान में गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको तुरंत प्रशासन ने रिहा कर दिया, जैसे यहाँ किसान एकत्रित हुए। और हमारी चेतावनी है खट्टर से भी, भाजपा से भी, धर्म जात के नाम पर जहर घोलना बंद कर दो, अपने हरकतों से बाज आ जाओ, वरना आपका समाज ऐसा बहिष्कार करेगा आपके, आप आगे 50 साल क्या आगे आपका नामो निशान राजनीति से मिट जाएगा अगर ऐसी गंदी हरकतें आप करोगे। यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, यहाँ 200 झंडा लगा है बीजेपी का, उस किसी भी उस झंडे को किसी ने भी नहीं उतारा, जो गैर कानूनी गलत तरीके पर गलत जगह पर झंडा लगा उसको उतारा है और तिरंगा लगाया, वहां भी तिरंगा सुशोभित किया है, उसके जुर्म में अगर बीजेपी गिरफ्तार करते हैं हम फांसी देने को भी तैयार हैं, लेकिन अपने तिरंगे को नहीं झुकने देंगे और अपने खंडे के साथ किसी पार्टी का झंडा नहीं लगने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुर्दाबाद खट्टर सरकार, मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार, मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार, मुर्दाबाद लोकतंत्र विरोधी सरकार, मुर्दाबाद लोकतंत्र विरोधी सरकार, मुर्दाबाद खट्टर मर गया, हाय हाय खट्टर मर गया, हाय हाय प्रशांत मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय खट्टर मर गया, हाय हाय खट्टर सरकार, मुर्दाबाद जाति के नाम पे जहर घोलने वाले, मुर्दाबाद धर्म जाति के नाम पे जहर घोलने वाले किसान नेता जगदीप सिंह ओलग क्या कहना चाहेंगे, जिन किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया, और क्या बात थी क्यों हिरासत में लिया था? देखो आज किसान यूनियन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला के लोग कारों का काफिला लेकर गुरु नाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में जीट रोड पे आ रहे हैं, हम सारे उसकी तैयारी में लगे हुए थे, हमें मुख्यमंत्री के प्रोग्राम की कोई जानकारी नहीं थी यहाँ, तो हमारी जो निसंग के साथी हैं वो इधर से आए, उन्होंने इस चौक पर बीजेपी के झंडे लगे देखे, उन्होंने तिरंगे झंडे लेकर बीजेपी के झंडे उतार कर तिरंगे झंडे लगाने का काम किया, पुलिस प्रशासन ने उनको इस रोब में भैया आप गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद उनको सदर थाना ले गए, जैसे हमको पता लगा हम सारे यहाँ पर पहुँचे, अब उनको प्रशासन ने छोड़ा है। और हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, यहाँ का प्रशासन इस बात का जवाब दे भाई, जो तिरंगा झंडा है हमारा वो बीजेपी के झंडे से छोटा है या बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के झंडे उतार कर यहाँ पर तिरंगा लगाने का काम किया गया और इसी रोम में हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया। आप सभी झंडे यहाँ पर उतार रहे थे, बीजेपी के झंडे आपने उतारे, हालांकि एक तिरंगा झंडा भी गलती से उतरने वाला था, क्या गलती से उतरने वाला था? ऐसा कुछ नहीं है, झंडे लगाए हुए भी किसानों के हैं और इनको इनकी तिरंगे का किसान से बड़ा राष्ट्र भक्त इस देश में कोई नहीं है। ऐसा मिटा साहब और उतरने वाला था ना नेपन भाजी, उसमें ये था मैं था, क्या हुआ कि जिस टाइम आके ये पहले बीजेपी वाला झंडा इधर था वो उतारा, तो इसका झंडा ये ना टूटा हुआ था, नीचे मोड़ा हुआ था, तो मैंने नीचे ध्यान किया एकदम जिस टाइम हाथ में आया है उसी टाइम देखते सार ऊपर कर दिया, ना जी ना मिस्टेक लगी है, उसके लिए सॉरी फील करते हैं, मैंने पहले ही कह दिया है आपसे, मैंने वीडियो खुद भी बनाई थी कि हम तिरंगा का इतना सम्मान करते हैं कि बुलेखे से गलती से हाथ लग गया, नीचे से मुड़ा हुआ था टूटा हुआ था सारा, वो इस करके हाथ लग गया, जब ही हाथ में आया देखा भी तिरंगा है उसी टाइम ऊपर उठा दिया, और बीजेपी सरकार वो जितना सम्मान कर रही है हम देख रहे हैं, किसानों ने क्या किया है, उनके झंडे उतारे हैं, किस लिए उतारे हैं, क्योंकि ये जस्सा सिंह अपना आलूवालिया रामगढ़िया उनका मतलब ये उनकी याद में हमने खंडा चौक बना रखा है, इसमें ना कांग्रेस का ना बीजेपी का ना आपका किसी का भी झंडा यहाँ पे नहीं लग सकता, वो झंडे हमारे किसान नेताओं ने अमरदीप सिंह बब्बर अमृत बुग्गा उन्होंने उतारे हैं और तिरंगा लगाया है,
तिरंगा लगाने की एवज में मतलब पुलिस इनको गिरफ्तार करके थाने लेके जाती, क्या ये सही है सरकार के लिए? जगदीप सिंह ओला, जगदीप सिंह ओला मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में, तो उसका तो विरोध नहीं कर रहे थे, आप यहाँ झंडे उतारने आए थे? देखो, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का असल में किसी को पता नहीं था, हम सारे लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि जो हमारा काफिला आना है चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली से, उसका तीन जगह स्वागत होना है, करण लेक पर और उसके बाद बस्ताड़ा टोल पर, फिर आगे पानीपत की सीमा में, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। ये तो जब इन्होंने हमारे किसानों को गिरफ्तार किया तभी पता लगा भाई यहाँ पर कोई भाजपा का प्रोग्राम है, अब यहाँ के पता लगा भी मुख्यमंत्री आ रहा है। कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया? दो किसानों को गिरफ्तार किया गया था, अब उनको छोड़ दिया, यहीं पर छोड़ के गई है पुलिस। ये दोनों हमारे भाई थे, ये निसंग के ब्लॉक प्रधान आमंदी बब्बर और ये मीडिया प्रभारी है अमृतपाल बुग्गा। किसान को छोड़ दिया गया, इस समय आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर है और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साहब, जिन किसानों को हिरासत में लिया था उनको छोड़ दिया गया? उनको बस वो एक बार यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अपने साथ गाड़ी में बिठाया था, और बिल्कुल उन्होंने खंडा चौक पर बीजेपी के झंडे उतारे थे और तिरंगे झंडे ले रहे थे। उनका यही कहना था कि खंडा चौक पे हम बीजेपी के झंडे नहीं लगने देंगे, जिस बात का वो विरोध कर रहे थे इसी बात को बातचीत करने के लिए उनको गाड़ी में बिठाया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज बिल्कुल बाइज्जत वो अपने साथियों के साथ है। सीएम का प्रोग्राम है आज यहाँ पे? हाँ जी, तो सीएम साहब का प्रोग्राम था और एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने झंडे जो है यहाँ पर बीजेपी के उतार दिए और तिरंगे झंडे यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हमारी। आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से, इस समय आप देख सकते हैं हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। किस तरह से बीजेपी पार्टी के झंडों को उतार कर तिरंगे झंडे जो है खंडा चौक पर बांधते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम से कुछ ही देर पहले, नजदीक खंडा चौक था जहां पर बीजेपी पार्टी के झंडे यहां पर लगे हुए थे, किसानों ने यहां पर उन झंडों को उतार दिया और तिरंगे झंडे यहां पर लगा दिए, लेकिन उसी दौरान इन दो किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच गए और जमकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और अब दोबारा से खंडा चौक पर किस तरह से बीजेपी पार्टी के झंडे उतार दिए गए हैं और तिरंगे झंडे यहां पर लहरा दिए गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कड़ा सुरक्षा पहरा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर यहां पर किया गया है, क्योंकि पीछे प्रेम प्लाजा होटल है जहां पर आज भाजपा जिला कार्यकारिणी की एक बैठक होने जा रही है और जिसमें जो है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों का विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू हो जाता है, क्योंकि खंडा चौक पर किस तरह से बीजेपी पार्टी के जो झंडे लगे हुए थे उनको किसानों ने उतारा और तिरंगा झंडा लहराया, जिसके बाद दो किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन बड़ी संख्या में जब किसान यहां पहुंचे तो उन किसानों को छोड़ दिया गया। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे, सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।